जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उसको क्या क्या आप पे करोगे? फर्स्ट, शेयर इन द रिजर्व, कुछ रिजर्व होगा बैलेंस शीट में, कुछ रिजर्व मेंटेन किया होगा बैलेंस शीट में, उस रिजर्व में से शेयर देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। सेकेंड, शेयर ऑफ गुडविल। थर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। फर्म के पास पैसा होगा तो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट सेटल कर देंगे, एंट्री आता रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर फर्म के पास पैसा नहीं होगा तो पैसा उनका लोन में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री आएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टडी मटेरियल से। ध्यान देना, डीएन कंपनी से पार्टनरशिप फॉर्म विद ए पार्टनर ए बी एन सी, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 10:6:4। ठीक है ना, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। लायबिलिटी साइड में तीनों कैपिटल दिया है ए बी सी का। रिजर्व में कुछ फंड मेंटेन रखा है पार्टनरशिप फॉर्म ने 20,000। लॉन्ग टर्म डेब्ट है 3 लाख का। बैंक को ऑर्डर 44,000, ट्रेड पेबल 1,70,000। और नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर बी विल रिटायर अ पार्टनरशिप एंड इन हिज प्लेस डी विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। देव क्लियरली बोला है एडमिशन भी हो रहा है और रिटायरमेंट भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है, एक साथ दो चीज हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है और एडमिशन भी हो रहा है। गुडविल इज टू वैल्यूड एट 1 लाख बट द सेम विल नॉट अपियर ऑन द एसेट इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं शो करना है, इसका मतलब गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसा लिखा है मतलब गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट है। पॉइंट नंबर बी, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी कम करना, इट इज ए लॉस। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। इसके ऊपर अच्छा एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है 15,000 का। प्रोविजन करना है 20% ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर टू कवर द डाउटफुल डेब्ट। पॉइंट नंबर सी, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए सी एंड डी इन द न्यू रेशियो 2:2:1। मतलब टोटल कैपिटल दिया हुआ है रेडीमेड, 2 लाख को ये रेशियो में बांट देना 2:2:1 में। और उसमें दो पॉइंट क्या लिखा है, सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज फॉर रिपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर फॉर्म के पास सरप्लस पैसा आएगा तो उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे। एंड नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को जितना ड्यू होगा देने का वो सब उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। क्या क्या आपको बनाना है, देखो नीचे लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है 1 अप्रैल 2015 का। तो ध्यान देना, कभी क्वेश्चन मिला तो हम लोग सिस्टमेटिक जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप 4 लेजर बना लेना, पहला कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन, ए बी सी डी, ए बी सी और डी एंड लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस का डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2015। तो हम लोग लाइन से जाएंगे, पहला बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाई दे रहा है, कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल, क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बताओ ए का कैपिटल कितना दिया है 80,000, बी का कैपिटल 20,000 एंड सी का कैपिटल 30,000। ये तीनों समझा, डी तो तभी था ही नहीं। नेक्स्ट रिजर्व दिखाई दे रहा है 20,000, रिजर्व को हम लोग बांट के लेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 10:6:4। मतलब 10+6+4 20 होगा, तो 10/20, 6/20 एंड 4/20 करना,
बाय रिजर्व कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 10,000, बी का शेयर कितना होगा 6,000, सी का शेयर कितना होगा 4,000। समझ में आया किधर से आया? रिजर्व को हमने बांट दिया 10:6:4 में, तो 20,000 को हमने स्प्लिट कर दिया 10:6:4 का रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट बैलेंस शीट में आ जाओ, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट 3 लाख। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट के बाद बैंक का ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक अकाउंट बनाया ना, बैंक अकाउंट तो बैंक बैलेंस रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट मतलब आप माइनस में हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया किधर से आया? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट दिया 44,000। सबको समझा बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे आया? ब्रैकेट में लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट ट्रेड पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ट्रेड पेबल को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना लिखेंगे 1,70,000। लाइबिलिटी साइड समझ में आया? हमने कैपिटल को कैपिटल में लिखा, रिजर्व को पार्टनर में बांट दिया, लॉन्ग टर्म डेब्ट बैलेंस शीट में लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का क्रेडिट साइड में लिखा हमने, और ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में लिखा। अब आ जाओ एसेट साइड, आ जाओ एसेट साइड, लैंड के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो लैंड को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड कितना 10,000। क्लियर? नेक्स्ट बिल्डिंग, याद करो बिल्डिंग के ऊपर रिवॉल्यूशन अमाउंट दिया था तो बिल्डिंग का रिवॉल्यूशन कितना दिया था, देखो बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 5%, सुन रहे हो, बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 5% एंड मशीनरी बाय 20%, तो बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख है, 2 लाख का 5% निकालेगा तो आएगा 10,000, तो बिल्डिंग का रिवैल्यू फिगर लिखेंगे कितना, डायरेक्ट लिखने का कितना लिखे 1,90,000। ये बताओ बिल्डिंग हमने कितना से कम किया, 10,000 से कम किया ना, इट इज द लॉस। लॉस किधर शो करते हैं, रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड में शो करते हैं, तो रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्डिंग कितना से कम हो गया 10,000। समझ में आया? बिल्डिंग जो 10,000 से कम किया सेकेंड एफर्ट देंगे रिवॉल्यूशन में, एंट्री आता है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी को 20% से कम करो तो 20% आएगा उसका 26,000, तो एंट्री आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना 26,000। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट लेस करके हम शो करेंगे, सेकेंड इफेक्ट 1,30,000 में से 26,000 माइनस कर दो तो हम प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखेंगे बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना 1,04,000। समझ में आया? 26,000 माइनस किया हमने, 26,000 हमने माइनस किया, आंसर रेडीमेड लिखने का 1,04,000। ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगला एसेट है फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं तो फर्नीचर को एज इट इज बैलेंस शीट में लिखेंगे कितना लिखेंगे फर्नीचर 43,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट था, इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का तो ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोले थे, मैं वर्किंग एंट्री लिख के दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट का। प्रॉब्लम में क्या बोला है पढ़ो, प्रॉब्लम में बोले हैं कि इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000 और इन्वेस्टमेंट था कितने का 12,000 का। ध्यान देना एंट्री क्या आएगा, जब भी कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उसका नाम डेबिट करेंगे, एग्जाम्पल 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में लेके जा रहा है 15,000 का लेके जा रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट था कितने का बैलेंस शीट में 12,000 का था, तो ये बताओ 12,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 का लेके जा रहा है, इट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ना, तो कितने का प्रॉफिट होगा 3,000 का, ये प्रॉफिट हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे।
ओके एंट्री आएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे, समझ में आ रहा है। 12,000 किधर से है, बैलेंस शीट से कैंसल हो जाएगा। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 12,000 था ना, वो कैंसल हो जाएगा आपस में। 20 कैपिटल में लिखेंगे 15,000 और रिवैल्यूएशन में लिखेंगे 3,000, समझ में आ रहा है। तो इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, 20 कैपिटल का डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितने का भी इन्वेस्टमेंट लिखे गया 15,000 का, समझ में आ रहा है। इसका पोस्टिंग हमने कर दिया, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था ना, इसका और इसका पोस्टिंग करना है आपको। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ ना, इन्वेस्टमेंट जब लेके गया 12,000 का, 15,000 में 3,000 का प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट का पोस्टिंग करेंगे। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट सर में लिखेंगे बाय क्या सर, इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट होगा 3,000 का, क्लियर। नेक्स्ट, ये एंट्री समझ में आया ना, ये एंट्री समझ में आया ना। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर एट ए हायर अमाउंट, तो एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट था ना बैलेंस शीट में, और एक क्रेडिट, अपोजिट चीज कैंसिल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते, इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन करने बोला था 20% का, तो आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन करने बोले थे 20% का, तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल कितना दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को इनर कॉलम में लिखने का, क्योंकि आरडीडी सेपरेट लेजर होता है, आरडीडी से सेपरेट लेजर, तो लेस आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना करोगे 20% करने का, तो 20% निकालो 1,39,000 का 20% आंसर आएगा 27,800, माइनस करो आंसर आएगा 1,11,200, 1,11,200 सेकंड इफेक्ट 27,800 का, इट इज अ लॉस। एंट्री आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, तो लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब कितना 27,800, समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सी अभी आते हैं। टोटल कैपिटल 2 लाख होगा ए सी और डी का, ए सी और डी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया ना, बी वाला पार्टनर रिटायर हो रहा, ऊपर मैंने क्रॉस किया है, तो रेडीमेंट दिया है। टोटल कैपिटल ए सी डी का कितना होगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, रेडीमेंट दिया है 2 लाख और 2 लाख क्या रेशियो में रहेगा 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, तो 2 लाख का 2/5 करोगे तो अमाउंट आएगा 80,000, समझ में कहां से लिखा सर ने, ऐसी 2 लाख का 2/5 करोगे तो सी का क्लोजिंग कैपिटल आएगा 80,000, सिमिलरली 2 लाख का 1/5 करो तो डी का क्लोजिंग कैपिटल आएगा 40,000, समझ में आया। नेक्स्ट, सरप्लस बोलता है बैंक को ऑर्डर पे कर देना अगर सरप्लस फंड होगा तो, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड थ्रू लोन अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान देना, एक एडजस्टमेंट अपना बचा हुआ है गुडविल का, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट करने जा रहे हैं, गुडविल का अपना फेवरेट वर्किंग, वर्किंग नोट नंबर 2, ये बताओ गुडविल का वर्किंग करने जा रहे हैं। गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट वाला है, तो मैं जो टेक्निक बताता हूं हमेशा ऐसी करना, ए बी सी डी सब लिख लो। पहला लिखने का ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना दिया था 10:6:4 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना 5:3:2, समझ में आया कहां से लिखे। ओल्ड रेशियो कितना दिया था 10:6:4, तो 2 का टेबल में डिवाइड करो तो 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, तो 5:3:2 भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, व्हाट इज द न्यू रेशियो गिवन इन द प्रॉब्लम, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है ना, बी तो रिटायर हो रहा है, व्हाट इज द न्यू रेशियो गिवन इन द प्रॉब्लम, 2:2:1, 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। ओल्ड में से न्यू आपको माइनस करना है, सुने क्या, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, जब माइनस करोगे तो बेस सेम कर लेना पहले, तो इसका बेस सेम कर सकते हैं ना, किससे इंटू करें इसको 2 से इंटू करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा ना, तो न्यूमेरेटर भी 2 से इंटू करो, चलो यहां पर भी 10 लाने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो इसको भी 2 से इंटू करेंगे, इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा सबका, समझ में आया।
तो 5 बाय 10, 5 बाय 10 माइनस 2, 2 जा 4 बाय 10, 3 बाय 10 यहां नहीं है, 2 बाय 10 माइनस 2, 2 जा 4, 5, 2 जा 10 और यहां नील है, नील माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो 2 बाय 10 समझा माइनस में क्या, 0 माइनस समथिंग तो माइनस में आएगा ना, तो 2 बाय 10 इसको सॉल्व करते हैं और एक स्टेप, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 10, 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव, ये 3 बाय 10 भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर सेम है 10, तो 2 माइनस 4 करो तो आंसर आएगा माइनस 2 बाय 10 और इसका माइनस 2 बाय 10 और पॉजिटिव रहेगा तो क्या बोलते हैं याद करो, आंसर प्लस आएगा तो लिख देना सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जिसका माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर है, और कौन किसको पैसा देता है सर, गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सुने क्या, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देंगे, गेनिंग पार्टनर कौन है, सी और डी, सी और डी ए और बी को पैसा देंगे, समझ में आ रहा है, गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओके। तो इसका एंट्री क्या आएगा, मैं एक एंट्री लिख के दिखा देता हूं आपको, इसका एंट्री क्या पास करेंगे, देखो इसका एंट्री ऐसा आएगा, जो गेनिंग पार्टनर है इसको डेबिट करना, हु इज द गेनिंग पार्टनर, सी और डी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना होगा मालूम है, गुडविल कितना दिया था 1 लाख, 1 लाख का 2 बाय 10 करो, 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 बाय 10 करो, आंसर आएगा 20,000, 1 लाख इंटू 2 बाय 10 करो, आंसर आएगा 20,000, ऐसी डी का भी कैपिटल 20,000 से कम करेंगे और ये पैसा किसको देंगे, ए और बी को देंगे, 1 बाय 10 करो, 1 बाय 10, तो 1 लाख का 1 बाय 10 करो, आंसर आएगा 10,000, ए को कितना मिलेगा 10,000 और बी को कितना मिलेगा, लिखेंगे 2b, 1 लाख इंटू 3 बाय 10 करो, आंसर आएगा 30,000, ये एंट्री समझ में आया, इंपॉर्टेंट एंट्री, इसी का ये एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे, इसी को बोलते हैं गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, कौन किसको पैसा देता है, गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओके। तो इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुने ना, तो एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, तो किसको डेबिट करेंगे, सी और डी को डेबिट करेंगे, डेबिट में लिखेंगे 2, नाम दूसरे का लिखेंगे, सुने ना, नाम ए और बी का लिखेंगे, लिखेंगे 2a एंड b, और किसका अकाउंट में लिखेंगे, सी और डी का अकाउंट में लिखेंगे, सी का अकाउंट में लिखेंगे 20,000 और डी का अकाउंट में लिखेंगे 20,000, समझ में आया, इसका सेकेंड इफेक्ट, ए और बी में लिखेंगे लेकिन नाम दूसरे का लिखने का, अमाउंट खुद का लिखने का, सुने ना, ए और बी में लिखेंगे सी एंड डी, क्या लिखेंगे, बाय सी एंड डी, स्टूडेंट नाम दूसरे का लिखने का, अमाउंट खुद का लिखने का, अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है 10,000, तो ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा 30,000, बोलो समझ में आया, इस एंट्री का पोस्टिंग, सी और डी में 20,000, देखो सी और डी में 20,000, ए और बी में 10,000 30,000, ओके हो गया। अब क्या करना है ये स्टेज पे, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया, रिवॉल्यूशन अकाउंट टैली करना, रिवॉल्यूशन अकाउंट टैली करोगे तो लॉस आ रहा है, यहाँ पर टोटल आता है आपको 63,800, यही टोटल यहाँ पर भी लिख देना 63,800, डिफरेंस आएगा कितने का लॉस आएगा, 60,800 का लॉस आएगा, तो लिख देना बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर को देंगे, ए बी और सी को दिया जाएगा, इन द रेशियो 10:6:4 का रेशियो में, तो 60,800 इंटू 10 बाय 20 करो, अमाउंट आएगा 30,400, 60,800 इंटू 6 बाय 20 करो, अमाउंट आएगा 18,240, क्या रेशियो में बांटे मालूम है ना, 10:6:4 का रेशियो में बांट रहे, 60,800 इंटू 10 बाय, इसका बेस कितना आएगा 20,
60,800 इंटू 10 बाय 20 करो 30,400 आएगा, 60,800 इंटू 6 बाय 20 करो अमाउंट आएगा 18,240, 60,800 इंटू 4 बाय 20 करो अमाउंट आएगा 12,160। ये लॉस का सेकंड इफेक्ट देंगे, किधर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में घुमाएंगे तो लिखेंगे 2, कहां से आप लोग, रिवॉल्यूशन अकाउंट से है। ए को लॉस कितना होगा 30,400, बी को लॉस 18,240, सी को लॉस 12,160। ओके नेक्स्ट, अब ये स्टेज पे क्या करना है सेकंड, तो रिवॉल्यूशन का डिफरेंस किधर घुमाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। अभी पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिसाब कर लो, तो बताओ बी का टोटल कर लेते क्योंकि बी क्रॉस के मतलब बी रिटायर हो रहा है, तो 20,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 56,000 बराबर, यहां पर भी लिखेंगे 56,000 माइनस 15,000 माइनस 18,240 डिफरेंस आता है, सुन रहे हो, डिफरेंस आता है, डेबिट साइड में डिफरेंस आता है। इसका मतलब इतना पैसा हम उसका लोन में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉब्लम में बोला था 22,760 का जो डिफरेंस आ रहा है घुमाएंगे उसका लोन अकाउंट में, लिखेंगे 20 लोन अकाउंट। ओके, फॉर्म के पास पैसा नहीं है तो इसीलिए उसका पैसा किधर ट्रांसफर किया हमने, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर देंगे सर, इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में नजर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा 20 लोन अकाउंट कितना 22,760, समझ में आया। नेक्स्ट, ए सी और डी का कैपिटल टैली करो क्योंकि क्लोजिंग तो पहले से दे दिया था ना, क्लोजिंग का सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग पता है ना, क्लोजिंग हमने रेडीमेड दिया था क्वेश्चन में 2 लाख को हमने रेशियो बांट दिया 2:2:1 में, तो क्लोजिंग का जो सेकंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में आएगा। लिख देना कैपिटल, कैपिटल किसका किसका, ए का कैपिटल है 80,000, सी का कैपिटल है 80,000 एंड डी का कैपिटल है 40,000, ये क्वेश्चन में दिया था रेडीमेड। आगे बढ़ते हैं, अब ये स्टेज पे ए का टोटल करो, ए का टोटल करोगे तो टोटल आएगा 1,10,400, डेबिट ज्यादा आता है, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 1,10,400 माइनस 80,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 डिफरेंस आएगा 10,400 का डिफरेंस आता है। लिख देना बाय बैंक, इसका मतलब इतना पैसा ए घर से लेके आएगा, इसका मतलब इतना कैश ए अपना घर से लेके आएगा। एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बैंक बैलेंस अपना बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे टू एस कैपिटल कितना लाएगा ए 10,400। ऐसी सी का टोटल करो 20,000 प्लस 12,160 प्लस 80,000 टोटल आएगा आपको 1,12,160 का, ये टोटल यहाँ लिखोगे 1,12,160 का माइनस 30,000 माइनस 4,000 डिफरेंस आएगा 78,160 का, डिफरेंस आएगा 78,160 का, मतलब इतना कैश सी अपना घर से लेके आएगा। तो लिख देना बैंक सेम, इसका सेकंड इफेक्ट बैंक बैलेंस अपना बढ़ जाएगा, सी कितना पैसा लाएगा 78,160 का, इसका सेकंड इफेक्ट बैंक में आएगा। ऐसी डी का टोटल करो तो आएगा 60,000, यहां पर भी लिखो 60,000 और ऑफ कोर्स डी कितना पैसा लाएगा अपना घर से, सी इज डी इज ए न्यू पार्टनर, 60,000 लेके आएगा 60,000 टू डी से कैपिटल, टू डी से कैपिटल। ओके, लास्ट में अकाउंट अभी टैली करते हैं, बैंक बैलेंस टोटल कर लेना, डेबिट टोटल करो आएगा 1,48,560, ये टोटल यहाँ लिखो 1,48,560 माइनस 44,000। जब माइनस करते हो ऑटोमेटिकली अपने बैंक ऑर्डर पे कर दिया, तो बैंक ऑर्डर पे करने के बाद व्हाट इज द बैंक बैलेंस 1,04,560, मतलब अभी आपके पास बैंक बैलेंस है, तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैरिड डाउन ही ब्रॉट डाउन होता है, तो बैंक बैलेंस अभी डेबिट हो गया। ओके, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर देंगे, बैलेंस शीट में देंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना लिखेंगे 1,04,560, समझ में आया, ऑलमोस्ट सब हो गया, टोटल कर रहे थे। टोटल करने से पहले इन्वेंटरी हमने नहीं लिखा, ओके, तो इन्वेंटरी लिख लेते, इन्वेंटरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, इन्वेंटरी लिख लेते, इन्वेंटरी का अमाउंट है 1,30,000,
सब हो गया, अभी टोटल करना है आपको और बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। 10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,04,000 प्लस 43,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,11,200 प्लस 1,04,560 टैली अमाउंट आएगा 6,92,760। लाइबिलिटी साइड 80,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 22,760 प्लस 3,00,000 प्लस 1,70,000 टोटल आएगा 6,92,760। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्टिंग पॉइंट था। 12,000 इन्वेस्टमेंट 15,000 लेके जा रहा था, इसमें प्रॉफिट होगा, ये बात याद रहेगा ना। 3,000 का तो प्रॉफिट होगा, रिवॉल्यूशन क्रेडिट में जाएगा और 20 कैपिटल 15,000 और 12,000 कैंसिल होगा बैलेंस शीट के साथ। और गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री समझ में आया, गुडविल एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट वाला, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, बेस सेम कर लो, माइनस करो, जिसका आंसर प्लस आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसका आंसर माइनस आएगा वो गेनिंग पार्टनर। और कौन किसको पैसे देता है, गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, एज्यूम करता हूँ वीडियो समझ में आया, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके। बाय बाय।